हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे यात्री और पैसेंजर्स हैं जो कि अपने मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर से टिकट बुकिंग करने जाते हैं, वो चाहे तत्काल हो या नॉर्मल हो, वो चाहे लेडीज़ कोटा हो या सीनियर सिटीजन कोटा हो या जनरल कोटा, कोई भी कोटा क्यों ना हो, तो जस्ट ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टिकट बुकिंग करते वक्त कभी कल होता क्या है कि पेमेंट कट जाता है, बट टिकट मेरे को कंफर्म या वेटिंग मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो UPI से पेमेंट करते हैं, कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कोई इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं। तो वो अगर पेमेंट कट जाता है तो आपका क्या रिफ़ंड आता भी है या नहीं, और रिफ़ंड अगर आता भी है तो क्या कोई चार्जेस वगैरह कट के आता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले आपको मैं अपना रेल कनेक्ट ऐप ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपना IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद माय ट्रांजेक्शन में आपको जाना है, जैसे कि आप लोग भी जाके माय ट्रांजेक्शन में अपना देखते होंगे, ठीक है। इसमें लास्ट ट्रांजेक्शन और फेल ट्रांजेक्शन, आप अगर अभी हाल फिलहाल में टिकट बुकिंग किए हैं तो लास्ट ट्रांजेक्शन में शो होगा, या 2-3 दिन पहले अगर बुकिंग किए हैं उसके बाद भी अगर आप बुकिंग किए हैं तो आपको फेल ट्रांजेक्शन में क्लिक करके आपको अपना स्टेटस चेक करना पड़ता है। तो रेलवे के द्वारा इस सिस्टम में उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टिकट बुकिंग करते वक्त अगर बाय द वे आपका पेमेंट कट गया है तो वो आपका 3 से 4 दिन के अंदर में, आपका जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा कटा है वो 3 से 4 दिन के अंदर में आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ा जाते हैं कि हमारा पेमेंट आएगा भी या नहीं, ठीक है। उसमें आप लोगों को 1 रुपया भी चार्ज कटता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप फेल ट्रांजेक्शन में भी देख पा रहे हैं कि मैं एक शिप्रा एक्सप्रेस का बुकिंग किया था हावड़ा से विंध्याचल तक का, वो आपका तत्काल नहीं, प्रीमियम तत्काल कोटा से मैं बुकिंग किया था, 10:02 में AC क्लास का मैं टिकट बुक किया था, बट सीट ख़त्म हो जाने के कारण मेरा पेमेंट फेल हो गया, टिकट बुक नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा 2551.80 रुपया मेरा जो अमाउंट फंसा हुआ है, ये हमारा 3 से 4 वर्किंग डे के अंदर में हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इसमें से 1 रुपया भी चार्ज कटेगा नहीं। अब बहुत सारे से पैसेंजर्स होते हैं जो जिनका पेमेंट कट जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि मेरा तो पेमेंट कट गया है, अब क्या होगा, बुकिंग होगा भी नहीं, रेलवे टिकट बना के पीना नंबर देगा कि नहीं देगा, मेरा पेमेंट वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका पेमेंट जो कटा हुआ वो सेफ है, सिक्योर है, आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका अकाउंट के जिस अकाउंट से कटा उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को मेरा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।